आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। चैतन्य रश्मि कनक प्रभा, साध्वी कनक श्री जी, प्रकाशक जैन विश्व भारती लाडनू, रोशनी के वातायन, सामायिक सूझबूझ। राणावास से विहार करना था, साध्वियों की संख्या अधिक थी। पूज्यवर ने फरमाया, थोड़े सिंगाड़े साथ रह जाए। समस्या थी किसे ले जाए और किसे छोड़े। उनके उर्वर मस्तिष्क की उपज रही कि कल्प करने वाली साध्विया जिन सिंगाड़ों में हैं उन्हें ले जाया जाए। सहज समाधान हो गया, मेरे कारण सबको कष्ट होता है। अहिंसा यात्रा अहमदाबाद, मुंबई एवं सूरत का ऐतिहासिक प्रवास संपन्न कर महाराष्ट्र की ओर प्रस्थित हुई। इस बीच साध्वी प्रमुखाश्री जी के घुटने में दर्द भी बढ़ता गया, किंतु असीम मनोबली व्यक्तित्व के समक्ष शारीरिक वेदना कहाँ रह पाती है। वे चलती रही, निरंतर आगे बढ़ती रही। डॉक्टरों के परामर्श के अनुसार उन्होंने दर्द के साथ समझौता करना स्वीकार कर दिया। एक साथ लंबा विहार न करके दो पड़ावों और कभी तीन पड़ावों में करके भी निर्दिष्ट मंजिल पर पहुंचती। इस दौरान उन्होंने कई बार फरमाया, मेरे कारण तुम सबको सायकाल विहार करना पड़ता है। कभी आहार से पहले तो कभी बाद में चलना कठिन तो है ही, धूप भी रहती है, कंधों पर बोझ और साथ में पीने का पानी होता है। परेशानी तो होती है तुम सबको, पर क्या करें। साध्विया तत्काल बोल उठी, महाराज हमारे तो दुविधा नहीं सुविधा है। आप शाम को विहार करती हैं, तब जिनसे एक साथ नहीं चला जाता वे आपकी सहयात्री बन जाती हैं। जिनकी अगले दिन बारी होती है उनको भी आगे जाने में आसानी रहती है। तीसरी बात, पंचमी समिति के लिए भी हड़बड़ी नहीं करनी पड़ती। शाम को विहार करने से मौसम भी अनुकूल रहता है, न ज़्यादा धूप और न ज़्यादा गर्मी, इसलिए हमारे तो सुविधा ही सुविधा है। आपने कहा, यही तो सकारात्मक सोच का प्रभाव है जो प्रतिकूलता को भी अनुकूलता में बदल देता है। शिक्षा और सहिष्णुता। एक बार का प्रसंग है, साध्वी प्रमुखा श्री जी ने उपस्थित साध्वियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान युग बौद्धिक विकास का युग है। चिंतनीय बात यह है कि एक ओर बौद्धिकता बढ़ रही है तो दूसरी ओर असहिष्णुता भी बढ़ रही है। इन दोनों का योग आपसी सामंजस्य, सौहार्द एवं प्रेम को टिकने नहीं देता। युग की हवा से आधुनिक पढ़ी लिखी साध्विया बची रहे यह कठिन है। अनुभव के स्वर में उन्होंने आगे कहा कि एक समय था जब साध्वियों को कहा जाता कि आपको इस व्यवस्था में रहना है और आपके लिए यही उचित है, हितकर है, तो वे समझ जाती और उस निर्णय को शिरोधार्य कर लेती। पर आज यदि इस भाषा में कहा जाए तो कितने तर्क उपस्थित हो जाते हैं। यह स्वर भी मुखर हो जाता है कि इतना तो हम भी जानते हैं पर इस व्यवस्था में नहीं रह सकते, इसलिए प्रदत्त व्यवस्था को कई बार बदलना पड़ता है। अपेक्षा है सहिष्णुता की शक्ति का विकास हो। नो हिणे नो ऐरिते। एक श्रावक ने साध्वी प्रमुखाश्री जी से निवेदन किया कि साध्वी प्रज्ञावती जी गिर गई थी पर विशेष चोट नहीं आई, गुरु कृपा से सब ठीक है। पास खड़ी एक साध्वी जी ने कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ, उनके सिंघाड़े में यही साध्वी जी तो काम करने वाली हैं, यदि विशेष चोट आती तो ग्रुप में कठिनाई हो जाती। साध्वी प्रमुखाश्री जी ने संबोध देते हुए प्रशासनिक लहजे में कहा, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, उनके ग्रुप में और साध्विया भी तो हैं, वे सब भी अपना अपना कार्य करती ही हैं। इसके अतिरिक्त इस ठिकाने में दो साध्विया बराबर काम करने वाली हैं, अतः यह कहना कहाँ तक उचित है कि एक ही साध्वी काम करने वाली है। उन्होंने प्रेरणा प्रदान करते हुए कहा, देखो ऐसा सुनने से सामने वाले व्यक्ति पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है कि भला इस ठिकाने में तो एक अमुक ही काम करने वाली है, तब मैं क्यों करूं। अतः नो हिणे नो ऐरिते, अर्थात न किसी में उत्कर्ष की भावना पनपे और न हीनता की गांठे खुले, इस दृष्टि से सदा जागरूक रहना चाहिए। अर्थ वन्ना कौन कैसे करता है,
मर्यादा महोत्सव का अवसर था। सैकड़ों सैकड़ों साधु साधियों की उपस्थिति अपने आप में अपूर्वता लिए हुए थी। उस समय पूज्यवर अरतवन्ना के लयबद्ध संघान और शुद्ध उच्चारण पर बल दे रहे थे। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने एक प्रयोग किया कि प्रतिदिन एक एक ग्रुप की साध्विया खड़ी होकर अरतवन्ना का संगान करें। कौन कैसे करता है, किसकी कहां खामी है, स्वयं पता लग जाएगा और प्रशिक्षण भी मिल जाएगा। ध्यान दे शब्द संयोजना पर। साध्वी श्री धनश्री जी राजल देसर चाकरी संपन्न कर सहवर्तिनी साध्वियों के साथ श्री चरणों में उपस्थित हुई। उन्होंने गीत एवं वक्तव्य के माध्यम से अपनी खुशी का इजहार किया। उनके गीत में साध्वी प्रमुखा श्री जी के लिए प्रयुक्त एक पंक्ति थी, संघरा सिर मोड़। उन्होंने तत्काल टोकते हुए कहा, ये शब्द प्रयोग उचित नहीं है। संघ के सिरमोर मात्र आचार्य होते हैं, उनके लिए ही इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यत्र नहीं। उन्होंने आगे शिक्षा के स्वर में कहा, सब साध्वियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि किस शब्द का प्रयोग कहाँ किस अर्थ में होना चाहिए। शब्द की अपनी गरिमा होती है, उसकी सुरक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। आपके इस कथन से जहाँ साध्वी वृंद को परंपरा का बोध मिला, वहाँ आपकी आंतरिक संघ भक्ति और गुरु भक्ति ने भी सबको अतीव प्रभावित किया। अब आगे से सजग रहना। एक बार एक नव दीक्षित साध्वी के हाथ से पात्र गिर गया। गिरते ही वह टुकड़े टुकड़े हो गया। पास खड़ी साध्वियों ने उपालम की भाषा में कहा, ध्यान रखना चाहिए। पात्र लकड़ी के बने होते हैं, उनके निर्माण में कितना श्रम लगता है यह बनाओगी तब पता चलेगा। इसलिए पात्र लेने एवं रखने में सदैव सावधानी रखनी चाहिए। जाओ साध्वी प्रमुखा श्री जी को निवेदन करो। साध्वी जी घबराई, साध्वी प्रमुखा श्री जी के उपपात में पहुंची और कांपते हाथों से पात्र आगे किया। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने एक दृष्टि उन पर डाली, एक पात्र पर। साध्वी जी के चेहरे की भाषा पढ़ी और पूछा, क्या कर रही थी? उन्होंने कहा, हाथ से छूट गया। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने मात्र यही कहा, कोई बात नहीं, टूट गया तो टूट गया, अब आगे से सजग रहना। तैत कहकर साध्वी जी ने अपने प्रमाद के परिष्कार का संकल्प किया। सकारात्मक सोच। अहिंसा यात्रा के दौरान आचार्य प्रवर का विहार 10 किलोमीटर से ज्यादा होता तब साध्वी प्रमुखा श्री जी प्राय दोपहर में विहार कर देती। एक दिन साय अरतवन्ना के पश्चात महाश्रमणी जी के साथ सब साध्विया गीतिकाओं का प्रत्यावर्तन कर रही थी। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने कहा, देखो तुम सबको मेरे पीछे दोपहर में विहार करना पड़ता है। साध्वियों ने अपनी अपनी सुविधा बताते हुए कहा कि यह तो हमारे लिए अच्छा है। एक साध्वी जी ने कहा, हमें भी प्रातः इतना लंबा नहीं चलना पड़ता। दूसरी साध्वी जी ने कहा, दोपहर में छोटा विहार करते हैं तभी तो इन प्राकृतिक दृश्यों के बीच रात बीत रही है। कभी खुला रेस्टोरेंट तो कभी गांव के बाहर खुले स्कूल, कहीं फार्म हाउस तो कहीं खेत। एक साध्वी जी ने कहा, दोपहर में चलते हैं तो सहज ही पानी अधिक पिया जाता है। इस प्रकार सबने अपनी अपनी सुविधा की बात कही। महाश्रमणी जी ने संबोध की भाषा में कहा, यह विधायक सोच ही कार्य करने में सुगमता पैदा करती है, निषेधात्मक सोच उसी कार्य को दुर्गम बना देती है। दृष्टि अनकहे ही बहुत कुछ कह देती है। एक बार एक साध्वी पैर धोकर वहां से जा रही थी, सहसा महाश्रमणी जी की दृष्टि उन पर पड़ी, वे सहम गई, उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। बात यह थी कि सर्दी का मौसम था, वह साध्वी पैर धोकर गई, उनके पैर गीले थे, उससे वह स्थान गीला हो गया। सांध्य प्रतिक्रमण का सामूहिक स्थान भी वही था। एक की गलती बहुतों के लिए दुविधा का कारण बन जाता, किंतु साध्वी प्रमुखा श्री जी की सचेतक दृष्टि ने उन्हें सजग बना दिया और दुर्सेव नो गिरा, इस वचन को सार्थक होने का अवसर मिल गया। वात्सल्य मूर्त हो उठा। साध्वी श्री सूरज कंवर जी जयपुर ने नवमी के दिन प्रवचन के पश्चात महाश्रमणी जी से निवेदन किया कि मुझे उपवास पचका दीजिए। उन्होंने पूछा, क्यों? अभी सप्तमी को तो उपवास किया था, आज फिर क्यों? कोई उद्देश्य है क्या? साध्वी श्री ने निवेदन किया, ऐसे ही मन हो गया। इतने में एक गोचरी आई, उन्होंने कहा, लो ग्रास ले लो। मन न होते हुए भी महाश्रमणी जी से ग्रास ले लिया।
उस समय तक लगभग दिन के 12:30 बज गए थे। फिर भी साध्वी श्री जी ने आज्ञा को शिरोधार्य कर आहार कर लिया। साध्वी प्रमुखा श्री जी के मूर्तिमान वात्सल्य ने उनके पोर पोर में प्रसन्नता का संचार कर दिया। उत्साह गाता है। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने परिहारा से रणधीसर की ओर विहार किया। राजल देसर के युवकों का एक ग्रुप उनके आगे आगे संगान करता हुआ चल रहा था। मौसम कड़ा था, धूप गहरी तप रही थी, फिर भी वे अपनी मस्ती में झूमते हुए गाते गाते आगे बढ़ रहे थे। रणधीसर पहुंचते ही उन्होंने महाश्रमणी जी के दर्शन किए। उन्होंने पूछा, आज तो गला सूख गया होगा। युवकों ने कहा, आपकी कृपा का अमृत मिलते ही थकान व प्यास दूर हो गई है। अब हम तो आचार्यवर के सामने जा रहे हैं। महाश्रमणी जी ने तत्काल कहा, यह उत्साह गाता है, उत्साह बोलता है, मात्र वत्सलता। योगक्षेम वर्ष आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व निर्माण का सघन प्रयास, नित्य नए प्रयोग। इसी क्रम में पाक्षिक प्रतिक्रमण के बाद समायाचना का मन भावन दृश्य। साध्वी प्रमुखा श्री जी जैन विश्व भारती के अमृतयान में विराज रही थी। सभी साध्विया दीक्षा प्रयास से पंक्तिबद्ध बैठी थी। अनुक्रम से एक एक साध्वी आती और एक एक साध्वी जी को वंदन करके आगे बढ़ जाती। उसी क्रम में साध्वी शुभ प्रभा जी की बारी आई। उन दिनों उनके टाइफाइड था, पर वे हिम्मत करके आई और सबको वंदना करने लगी। शारीरिक श्रम अधिक होने के कारण उनका ज्वर बढ़ गया, उससे उनको काफी परेशानी भी हुई। साध्वी प्रमुखा श्री जी को अवगति मिली। दूसरी बार जब पाक्षिक प्रतिक्रमण का दिन आया तो उन्होंने साध्वी सुप्रभा जी को निर्देश दिया, यहाँ पट के पास बैठ जाओ और जो भी साध्वी यहाँ आए उनको वंदना करती जाओ, इससे तुम्हारे ठीक रहेगा। बार बार उठ बैठ करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। साध्वी प्रमुखा श्री जी की मात्र वत्सलता देख कर वे भाव विभोर हो गए। माँ हो तो ऐसी हो। बात उन दिनों की है जब आचार्य प्रवर ने बीकानेर की ओर प्रस्थान किया। बीकानेर की सीमा प्रारंभ हो उससे पहले ही साध्वी प्रमुखा श्री जी ने पूछा, कुंदन रेखा जी कहाँ हैं? साध्वियों ने उन्हें सूचित किया और वे तत्काल उनके पास गईं। उन्होंने फरमाया, सीमा प्रवेश पर 7 नमस्कार महामंत्र का स्मरण कर लेना। उनकी समझ में नहीं आया कि उन्हें यह प्रयोग करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। खैर, उन्होंने आदेश की क्रियान्विति की। स्थान पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी जिज्ञासा आपके समक्ष प्रस्तुत की तो समाधान मिला कि जब तुम पहली बार बीकानेर आई थी तब तुम्हारे पैर में फ्रैक्चर हो गया था। इस बार ये क्षेत्र तुम्हारे लिए सुखद रहे, इसीलिए मैंने तुम्हें मंत्र स्मरण के लिए कहा था। मंत्र स्मरण से सब बाधाएं दूर होती हैं। उनकी मेहर नजर प्राप्त कर वे धन्यता की अनुभूति करने लगी। माँ हो तो ऐसी हो जो सबके हित सुख की चिंता करती हैं। मैं ही स्वस्थ हो गई। साध्वी जिन प्रभा जी ने निवेदन किया, यह चैत्र मास है, मेवाड़ में नीमझर पिसी हुई मिलती है, आप लेने की कृपा कराए, इससे खून शुद्ध होता है। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने फरमाया, तुम ही ले लो, महीने दो महीने दुखने का नाम छोड़ दोगी तो मैं समझूंगी मैं ही स्वस्थ हो गई। इन आत्मीय वचनों ने साध्वी जी को भीतर तक भिगो दिया। माँ की ममता। एक बार साध्वी अनुशासना श्री जी साध्वी प्रमुखा श्री जी के उपात में नित्यपिंड चाय की आज्ञा लेने पहुंची। क्यों? इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि उनके मुंह में छाले पड़ गए हैं, इसलिए चाय में घी लेना है। साध्वी प्रमुखा श्री जी, उकाली के साथ ले लो। उन्होंने कहा, महाराज गवेषणा तो की थी मगर मिली नहीं। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने सुझाया कि गोचरी में चाय आए तो ले लेना। साध्वी श्री जी सकुचाते हुए, महाराज आजकल प्राय गोचरी में चाय आती नहीं है, कभी कभार आती भी है तो वह ठंडी सी होती है। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने कहा, यदि शीत पिंड मिले तो ले लेना, नित्य पिंड नहीं लेना है। तहत के साथ वे वहां से उठकर चली गई। थोड़ी देर बाद साध्विया गोचरी लेकर आने लगी। साध्वी प्रमुखा श्री जी प्रत्येक गोचरी को ध्यानपूर्वक देख रही थी। उन्होंने साध्वियों से कहा, यदि गर्म चाय है तो अनुशासना श्री जी को देनी है। एक गोचरी में चाय आई थी। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने उन साध्वी श्री जी से पूछा, क्या आपके पास घी है? उन्होंने कहा, महाराज मक्खन है।
साध्वी प्रमुखा श्री जी ने तत्काल अनुशासना श्री जी को बुलाया और दोनों चीजें उनको दी। यह देख साध्वी जी का हृदय भराया, गला अवरुद्ध हो गया। माँ की ममता की धारा कठोरता और कोमलता इन दोनों तटों के बीच बहती है। ध्यातत्व है कि साध्वी प्रमुखा श्री जी की दृष्टि रहती है कि नित्य पिंड का प्रयोग अपवादिक स्थिति है, सामान्यतः उत्सर्ग मार्ग ही श्रेष्ठ कर है। सहयोगी नहीं संभागी बनाया। पूज्य गुरुदेव के उपाट में साध्वी प्रमुखा श्री जी भगवती जोड़ का कार्य कर रही थी। साध्वी जिन प्रभा जी आपके साथ कार्य में संपृक्त थी। एक बार वे छापर से विहार कर साध्वी कमलू जी के साथ गुलेरिया आ गई। यद्यपि वाचन को छोड़ना उन्हें अभिष्ट नहीं था, पर शारीरिक अस्वस्थता के कारण लंबा विहार करना भी शक्य नहीं था, इसलिए वे आगे आ गई। दूसरे दिन साध्वी प्रमुखा श्री जी ने उनसे कहा कि तुम चली गई, इसलिए हमने भगवती जोड़ का वाचन भी नहीं किया। तुम भी तो इस कार्य में संभागी हो, इसलिए तुम्हारे बिना कैसे करते। दूध पीने का त्याग है। एक साध्वी को दूध पीने से नफरत सी थी। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने कई बार कहा, पर वे अपने मानस को तैयार नहीं कर पाई। पर उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से दूध पीना आवश्यक था, इसलिए साध्वी प्रमुखा श्री जी ने कहा, तुम जितने दिन दूध नहीं पियोगी, मुझे भी दूध पीने का त्याग है। अब साध्वी जी क्या करती, अगले दिन से ही दूध पीना शुरू कर दिया। मेरा हाथ चाहिए। एक साध्वी जी नेल कटर लेकर महाश्रमणी जी के पास पहुंची और नख लेने के लिए निवेदन किया। उन्होंने स्वयं नेल कटर मांगा, तब साध्वी जी ने निवेदन किया कि कृपा कर ये मौका मुझे ही दीजिए। इतने में नीचे दर्शनार्थी आ गए। महाश्रमणी जी तुरंत नीचे पधार गई। सेवाभावी साध्वी जी भी महाश्रमणी के साथ साथ नीचे गई। भाई लोग उपासना कर वापस लौटे। महाश्रमणी जी अपने लेखन में लीन हो गई। साध्वी जी ने देखा उनके पैर नीचे हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे पैरों के नख ले लिए। अब उन्हें हाथों के नख लेने थे। महाश्रमणी जी उसी तरह पूरी एकाग्रता से लिखने में व्यस्त थी। लिखते लिखते सहज दृष्टि उठी तो उन्होंने देखा कि साध्वी नेल कटर लिए बैठी हैं। उन्होंने पूछा, क्या मेरा हाथ चाहिए। साध्वी जी ने हंसते हुए विनम्र स्वरों में कहा, आपका वरद हस्त तो सिर पर हर पल चाहिए। आपकी एकाग्रता और सहजता अनेकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सचमुच धुन के बिना कभी भी कोई बड़ा काम नहीं होता। विनोद में संबोध। फाकड़ी फसा लियो। शासन गौरव साध्वी श्री कमलू जी अस्वस्थ थी। मध्यान्ह में साध्वी प्रमुखा श्री जी उनको कालू यशोविलास सुना रही थी। प्रसंग डालगणी की अस्वस्थता का चल रहा था। अनेक उपचार चले, पर कोई भी उपाय कारगर नहीं हो रहा था। कहीं कोई फाकड़ी नहीं फंस रही थी। साध्वियों ने पूछा, यह फाकड़ी क्या होती है, वह कैसे फंसती है। महाश्रमणी जी ने कहा, एक व्यक्ति ने आयु गतम में फाकड़ी फंसाकर आयु सतम कर दिया और यमलोक से पुनः मनुष्य लोक में आ गया। कमलू जी महाराज, आप भी कोई ऐसी फाकड़ी फंसा लो जकेसु आयु सतम हो जावे। दिन मान देख लेते। साध्वी प्रमुखा श्री जी के उपात में कई साध्वियां खड़ी थी। चर्चा चल पड़ी मुहूर्त की। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने कहा, मैं न मुहूर्त जानती हूँ और न ही इतना गहरा विश्वास है। एक साध्वी जी ने कहा, महाराज मुहूर्त आदि का प्रभाव तो होता ही है। अच्छा समय हो तो सब काम अच्छे हो जाते हैं। दूसरी साध्वी जी ने कहा, इसमें बेचारा मुहूर्त क्या करेगा। यदि हमारे दिनमान अच्छे नहीं हैं तो अनुकूल भी प्रतिकूल बन जाता है, इसलिए दिनमान ही देखना होता है। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई हम तो न मुहूर्त देखते हैं और न दिनमान। हाँ, कभी कभी हाथ लग जाए तो दिनमान पत्र अवश्य देख लेते हैं। सर्वत्र हास्य बिखर गया। शताब्दी मनाए। दिव्य तपस्विनी साध्वी श्री पन्ना जी ने साध्वी प्रमुखा श्री जी के सामने चौथी परिपाटी स्वीकार करने की तीव्र भावना प्रस्तुत करते हुए कहा, मुझे चौथी परिपाटी अवश्य करवा दे। कहीं मेरी ये शरीर रूपी झोपड़ी इस भावना को पूर्ण किए बिना ही न बिखर जाए। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने कहा, आपकी भावना फलवती हो, यह हम सभी चाहते हैं। पर इससे पूर्व मेरी एक मांग है, आप
उसको पूर्ण करवाएं। वह मांग है कि संघ दिव्य तपस्विनी का शताब्दी महोत्सव मनाए, आपके 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, तब हम पूज्यवर से निवेदन कर आपकी भावना को साकार करने का प्रयत्न करेगी। सीधा मक्खन चाहिए। साध्वी प्रमुखा सी जी का एक बोध वाक्य सबकी भावनाओं को सटीक समाधान दे देता है। डॉक्टर दयानंद भार्गव के निवेदन पर साध्वी प्रमुखा सी जी वर्धमान ग्रंथागर पधारी। डॉक्टर भार्गव ने विविध विषय कोषों की उपयोगिता बताते हुए कहा, महाश्रमणी जी, हर विद्यार्थी को ग्रंथागार में आना चाहिए, अपने अपने विषय को इन विषय कोषों के माध्यम से खोजना चाहिए। विषय कोष कैसे देखे जाते हैं यह प्रक्रिया बताते हुए उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि अपने यहाँ ये इन ग्रंथों की उपयोगिता की बहुत कमी है। श्रमणी जी आदि को किसी विषय पर लिखना होता है तो सीधे आकर पूछती हैं, अमुक विषय कहाँ मिलेगा, न कि पहले वह स्वयं खोजे। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने विनोद की भाषा में कहा, सीधा मक्खन चाहिए, आपके पास सीधा मक्खन मिल जाता है तो दूध लाने, गर्म करने, जमाने व बिलोने आदि का श्रम कौन करे, अर्थात कौन ग्रंथों में खोजे, एक बार में एक ही काम। साध्वी प्रमुखा श्री जी आहार करने के लिए विराज रही थी, गोचरी आने में देरी थी। खाली समय देखकर साध्वी चंदनवाला जी ने निवेदन किया, अखबार लाऊं? उन्होंने कहा, आप रहने दें। लेकिन वे अखबार लेकर आई। आपने अखबार हाथ में ले लिया, फिर मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा और फरमाया, एक बार में एक ही काम करना चाहिए या और भी। एक क्षण के लिए सभी साध्वियां इस वाक्य का हार्द समझ नहीं पाई, दूसरे ही क्षण बोली, चश्मा भी साथ लाना था। यह सुनते ही सब एक साथ हंस पड़े। प्रकंपन तेज आवाज से कमलेश जी चतुर्वेदी साध्वी प्रमुखा सी जी की उपासना में बैठे थे। वे कभी कभी इतना तेज बोलते थे कि दूर खड़े व्यक्ति को लगता कहीं विस्फोट हुआ है। वे अपनी आदतवश जोर से बोल रहे थे, तभी सामने गैलरी में रिंग पर रखी मटकी टेढ़ी हो गई। साध्वी प्रमुखा सी जी का ध्यान उस ओर गया। आपने कहा, अरे मटकी को देखो। पास में बैठी साध्विया त्वरता से गई, अधिक दबाव पड़ने के कारण रिंग फिसल गई, इसलिए ऐसा हो गया, साध्वियों ने बताया। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने विनोदी लहजे में कहा, कहीं कमलेश जी की तेज आवाज से तो उसमें प्रकंपन नहीं हुआ। सुनते ही सब खिलखिला उठे। न दिगंबर न श्वेतांबर। बरार के डॉक्टर विनोद एवं श्रीमती अर्चना जी दर्शन करने आए। वे बोले, महाराज जी, हम दिगंबर हैं। आपने तत्काल कहा, आप तो न दिगंबर हैं और न श्वेतांबर, यह भेद तो साधुओं में होता है, आप तो केवल जैन हैं। बात बात में उन्हें बोध मिल गया। दो ही रह गए, लाडनू भुतोड़ियों का कुआ। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने गुरुकुलवासी साध्वियों की कार्य संबंधी व्यवस्था की। उस समय साध्वियों की संख्या 28 थी। आहार की व्यवस्था में साथ साथ के 3 समूह किए, 5 साध्वियां समुच में थी, इसलिए 1 समूह उनका हो गया। साध्वी प्रमुखा सी जी ने विनोद में कहा, कमलू जी महाराज, कोई 7 हो गए, कोई 5 हो गए, पर अपन तो 2 ही रह गए। साध्वी प्रमुखा सी जी की विनोदमयी भाषा ने वातावरण में माधुर्य भर दिया। बच्चे भूखे कैसे रहेंगे। लाडनू से पाली की ओर यात्रा हो रही थी। साध्वी शशि प्रभा जी को दीक्षा लिए 1 ही वर्ष हुआ था, किसी कारणवश आहार करने में उन्हें विलंब हो गया। प्राय सभी साध्वियों ने आहार कर लिया, समुच की साध्विया उनका इंतजार कर रही थी। वे आई और आहार देखकर बोली, आज तो बड़ी जोर से भूख लगी है, इतना ही आहार है क्या। व्यवस्थापक साध्वी ने कहा, है तो इतना ही, अपेक्षा हो तो और ला दे। शेष साध्वियों ने मना कर दिया, पर वे आपस में कुछ खुसर पुसर कर रही थी। यह सुनकर साध्वी प्रमुखा सी जी ने पूछा, क्या बात है, संकोच क्यों करती हो, क्या आहार की जरूरत है। साध्वियों ने निवेदन किया, नहीं, कोई खास बात नहीं। आपने तत्काल 2 साध्वियों को निर्देश दिया, जाओ थोड़ा आहार और लेकर आओ। शेष साध्विया कभी साध्वी प्रमुखा सी जी की ओर देखती तो कभी एक दूसरे की ओर। तभी पास बैठी साध्वी जी ने कहा, महाराज, आपको पता कैसे लगा कि इन्हें आहार चाहिए। उन्होंने फरमाया, शशि प्रभा जी की आंखों के इशारे से समझ गई कि ये भूखी हैं, बच्चे भूखे कैसे रह सकते हैं।
ननिहाल मेरे साथ चलता है। साधी प्रमुखा श्री जी पूज्य आचार्य के साथ टमकोर पधारी। उस अवसर पर अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा, जनभाषा है कि आज मैं ननिहाल आई हूँ, पर मैं तो अनुभव करती हूँ कि ननिहाल मेरे साथ ही चलता है, क्योंकि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी मेरे संसार पक्ष मामा हैं और मैं इनके साथ हूँ। बीच में ही पूज्य आचार्यवर ने कहा, हाँ जैसे आराम शोभा के साथ बगीचा चलता है। नानी का घर। पचपदरा से 8 वैरागिन बहनें आई, वे उम्र में बहुत छोटी थी। साधी प्रमुखा श्री जी ने उनसे अनेक प्रश्न पूछे, क्या क्या सीखा, क्या सीख रही हो, दीक्षा क्यों ले रही हो, दीक्षा कोई नानी का घर नहीं है। वैरागिन बहनों ने कहा, महाराज यहाँ तो नानी का घर ही है। साधी प्रमुखा श्री जी ने पूछा, कैसे, बोलो यहाँ तुम्हारी नानी कौन है। उन्होंने एक स्वर में उत्तर दिया, आप ही हमारी नानी हैं। इस पर महाश्रमणी जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, मैं किस किस की नानी बनूंगी। वातावरण में मुक्त हास्य बिखर गया। नौगणी संपदा। श्री डूंगरगढ़ प्रातःकालीन अनुव्रत प्रार्थना के समय कन्याएं पंचपद वन्ना के तीसरे पद का उच्चारण कर रही थी। उस पद में एक वाक्य है, अष्टगणी संपदा से सुशोभित। इस वाक्य को सुन एक भाई साध्वी प्रमुखा श्री जी के पास आया और बोला, महाश्रमणी जी अब तो अष्टगणी संपदा के स्थान पर नौगणी संपदा का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि अष्टगणी संपदा तो पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी के पास थी, अब वह अपनी संपदा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को दे गए, अतः आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास नौगणी संपदा हो गई है, यानी 9 आचार्य की संपदा। साधी प्रमुखा श्री जी ने कहा, आपका कहना ठीक है, पर यह अष्टगणी संपदा आचार्यों का विशेष गुण है, जो आगमों में वर्णित है, इसका अर्थ है आचार्यों की 8 संपदाओं से सुशोभित, न कि 8 आचार्यों की संपदाओं से सुशोभित। आचार्य की संपदाएं 8 ही होती हैं, चाहे वह चौथे आचार्य हो, 8वें आचार्य हो या 10वें आचार्य हो। यह है साध्वी प्रमुखा श्री जी की समझाने की सरल शैली। एक महान व्यक्तित्व की इस महान पुस्तक को पढ़ने और सुनने का जो हमें सौभाग्य मिला, उसके लिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। अगर इस पुस्तक को पढ़ने में, उच्चारण में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, तो मैं सभी श्रोतागणों से हाथ जोड़कर खमत खामना करता हूँ। ओम अरहम।